धार जिले के औद्योगिक पीतमपुर ट्रेड सेंटर का मामला एक बार फिर उजागर हुआ है, जहां पर आज दोपहर 2 बजे रामरतन पटेल नगर के रहवासियों ने नारे लगाए और काम रुकवाने की मांग की। रहवासी महेंद्र वर्मा ने धार कलेक्टर, नगरपालिका परिषद पीतमपुर, CSP संभागीय कमिश्नर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि भोला तिवारी ने करीब 10,000 स्क्वायर फीट गार्डन की और 5,000 स्क्वायर फीट नाले की जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस पर अपना आलिशान मल्टी पीथापुरा ट्रेड सेंटर तैयार कर रहा है। वर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर इस काम को नहीं रोका गया तो रामरतन पटेल नगर के हजारों निवासी निर्माणाधीन जगह पर भूख हड़ताल करेंगे और हाईकोर्ट में याचिका लगाकर और इस फर्जी निर्माण को रुकवाएंगे। कलेक्टर अशोक सिंह ने कहा है कि SDM और पूरे दलबल को भेजा जाएगा, भेजकर जाँच की जाएगी। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। वासियों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी रोष है। किस तरह का मामला है और क्यों यह प्रदर्शन कर रहे हैं? ये रामरतन पटेल कॉलोनी की कॉलोनी है, हमारा हक है कॉलोनी वासियों का। उसको बिल्डर्स द्वारा, उसको बिल्डर्स ये भोला तिवारी द्वारा, भू माफियाओं द्वारा उसको खत्म किया जा रहा है। उसको उसके ऊपर मल्टी बनाई जा रही है, ये हम नहीं होने देंगे। ये हमारा हक है कॉलोनी वासियों का। रामरतन पटेल कॉलोनी की गार्डन के ऊपर अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। ये जो पीछे मल्टी दिखाई दे रही है, क्या आप इसी मल्टी की बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो पीछे मल्टी दिख रही है यही गार्डन की जमीन है, यही भूमि है। और इस पे निर्माण कौन कर रहा है? इस पे भोला तिवारी निर्माण कर रहा है पीतमपुर टेक सेंटर का। जी, तो आप कह रहे थे कि आपके पास कोर्ट का आदेश है। मेरे पास कोर्ट का बाकायदा आदेश है, इसके ऊपर कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये नाला और रामरतन पटेल कॉलोनी की जमीन है गार्डन की, इसके ऊपर हाई कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। हाई कोर्ट का आदेश मेरे पास है। ये कभी इस पे कार्रवाई नहीं की गई सरकार के जो मुआवजे उनके द्वारा, तो फिर आगे क्या करेंगे? अगर आगे अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करता तो रहवासी भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हमारा हक लेके मानेंगे। आपका नाम बता दीजिए। महेंद्र वर्मा। हम हमारा हक लेके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।